वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ सुधांशु पांडे अक्का वनरा। जी हाँ, साल 2020 में ये आ गए अनुपमा में और इनका ये जो ग्रे रोल था लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा। जी हाँ, एक टॉक्सिक हस्बैंड और एक काफी हद तक ज्यादा सती सावित्री बीवी यानी कि अनुपमा। जी हाँ, जैसे अब जाके अनुज और अनुपमा की जोड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वनराज का होना भी कंपलसरी हो चुका है। विदाउट वनराज मजा कैसे आएगा। सो गाइज, यहाँ पे जो हमारे वनराज है वो इस शो को छोड़ रहे। जी हाँ, 28 अगस्त को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में आके ये अपडेट सबको दिया है कि मुझे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, मुझे ट्रोल भी किया गया है, साथ ही साथ मुझे अप्रिशिएट भी किया गया है और मैंने सब चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्रिशिएट के तौर पर लिया है। ये बोलना है हमारे वनराज का। उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और कहीं से जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। और उन्होंने ये भी बोला, मैं आपको बहुत जल्दी एक काफी हद तक ज्यादा जाने माने रियलिटी शो में नजर आऊंगा। सो गाइस, कहीं उनका इशारा बिग बॉस सीजन 18 में तो नहीं? गाइस, वो तो पता ही चलेगा बाद में। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि सुधांशु पांडे ने राजन शाही को अनफॉलो कर दिया है और राजन शाही ने भी यानी कि हमारे सुधांशु पांडे को अनफॉलो कर दिया। जी हाँ, पहले से तकरार स्टार्ट हो चुकी है शो छोड़ने से पहले। सो गाइस, मुझे तो सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा कि हमारे सुधांशु पांडे शो छोड़े। आपको यहाँ तक ज्यादा बुरा लगा, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक टाटा, बाय बाय।